सच्चवज्जेन सोतितेयो तु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सर्वदुःखभारोगा विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् तरणीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदमभिसमीक्ष्य सकोजोच सुजोच सुवचोच स्मरतु अन्तिमानि संतोषकोच शुभरोच अपकीर्चोच सलोकोति संतेन्द्रियोच निपकोच अपगब्बो कुलेषु अनुगीत न च कूतं समाचरे किञ्चित् येन वियोपरे उपाधि सुखिनो वा किमिनोऽन्तु सभे सत्ता भवन्तु सुखितात् एकेचिपानुभूतात् सा वा तावरावन्वशेष ये महंतावाजमस्कूल एक ये च दूरे वसंति अविदूर भूता वा संभव शिव सभ्य सत्ता भवंत सुखिता न परो परम निकुभेत नाचिनाचि योरासना पड़ी गुखमेचि माता अंकूत आयुषाएकुरा सबूतेषु मन संभाव्य परिमाण सबलोक मन संभाव्य परिमाण एतेन सच्चवज्जेन सोतितेयो तु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सर्वदुःखभारोगा विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् सभ्येति यो विजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु मा ते भवन्तरायु सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्य निच्छन्वतापच्छायिनो चत्तारो दम्मा वटन्ति आयु अन्नो सुकम्बलम् भवतु सर्वमङ्गलम् रक्षन्तु सर्वदेवता सबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु भवतु सर्वमङ्गलम् रक्षन्तु सर्वदेवता सबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु भवतु सर्वमङ्गलम् रक्षन्तु सर्वदेवता सत्सङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु साधु साधु साधु। मैं भगवान बुद्ध सम्राट अशोक और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं अपनी प्रिय बहन क्या नाम मनीषा सिपनपुरा उनकी पुत्रवधू के रूप में बोलिए उनकी पुत्रवधू के रूप में समर्पित करता हूँ मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों में सुख सम्मान तथा अद्भुत सम्राट अशोक और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर वचन देता हूँ कि आज से जो दायित्व मुझे है उसे मैं जीवन भर निभाऊंगा और इस पुत्री का पालन पोषण हमेशा
अपनी पुत्री के समान ही करूँगा तथा उसका हर प्रकार से ध्यान रखूँगा। मुझे भी यह पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह पवित्र संबंध हमारे दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक सिद्ध होगा। साधु साधु साधु। सम्राट अशोक और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपने आप को उपासक सचिन जी को पत्नी के पति समर्पित करती हूँ तथा इन्हें पति के रूप में स्वीकार करके जीवन भर इनके साथ रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। साधु साधु साधु। और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं अपने आप को उपासिका मनीषा जी को एक पति के रूप में समर्पित करता हूँ तथा इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ तथा जीवन भर इनके साथ रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। साधु साधु साधु। सम्राट अशोक और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर पांच पवित्र प्रतिज्ञाएं करता हूँ और वचन देता हूँ कि जीवन भर मन वचन और कर्म से सत्य निष्ठा के साथ इनका पालन करता रहूँगा। मैं पहली प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपनी पत्नी को सदा सम्मान करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं कभी भी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करूँगा और न ही किसी अन्य से अपमानित होने दूँगा। मैं तीसरी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं मिथ्याचार कामाचार परस्त्रीगमन मादक द्रव्यों के सेवन जुआ शराब आदि से व्रत रहकर अपनी पत्नी का विश्वास पात्र बनने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं चौथी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं सैधम के अनुसार आचरण करते हुए अपने माता पिता का उचित ध्यान रखकर अपने द्वारा उपार्जित धन दौलत से अपनी पत्नी को सदा संतुष्ट रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं पांचवी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं यथाशक्ति यथासंभव अपनी पत्नी को वस्त्र आभूषण आदि से संतुष्ट रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं दूसरी और तीसरी बार भी यही प्रतिज्ञा करता हूँ और वचन देता हूँ कि अपनी जीवन भर सत्य निष्ठा से इनका पालन करूँगा। साधु साधु साधु। और सम्राट अशोक बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर पांच पवित्र प्रतिज्ञा करती हूँ तथा वचन देती हूँ कि जीवन भर
मन वचन और कर्म से सत्य निष्ठा के साथ इनका पालन करूंगी। मैं पहली प्रतिज्ञा करती हूं, मैं अपने घर के सभी कार्यों को भली प्रकार से करने की प्रतिज्ञा करती हूं। मैं दूसरी प्रतिज्ञा करती हूं, मैं अपने सास ससुर परिवारजनों तथा अन्य संबंधियों को भली प्रकार देखरेख करूंगी तथा सभी को अपने मधुर व्यवहार से प्रसन्न रखने की प्रतिज्ञा करती हूं। मैं तीसरी प्रतिज्ञा करती हूं, मैं अपने आप को मिथ्याचार कामाचार परपुरुष गमन आदि से दूर रखकर अपने पति की विश्वास पात्र बनकर रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूं। मैं चौथी प्रतिज्ञा करती हूं, मैं अपने पति द्वारा उपार्जित धन दौलत तथा घर की अन्य संपत्ति की सदा रक्षा करने की प्रतिज्ञा करती हूं। मैं पांचवी प्रतिज्ञा करती हूं, मैं अपने घर के सभी कार्यों की दक्षता पूर्वक और आलस्य रहित होकर करते रहने की प्रतिज्ञा करती हूं। मैं दूसरी बार और तीसरी बार भी यही पांचों प्रतिज्ञा करती हूं और वचन देती हूं कि जीवन भर सत्य निष्ठा से इनका पालन करती रहूंगी। साधु 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 आहो सहसन मिण में तंग साउदान तंग गिर में कलंग उदित गोर ससे नमार दानादि धम्म वेदिना जितवा मुनेन्दु तं तेज सामौ तु तेज मंगलानि मारा तिरे कमभेयो चित्त सपरन्ति घोरापना लवकमकन्तदयकं खान्ति सुदन्त विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेज सामौतु तेज मंगलानि नालागिरि गजवरङ्गतिमत्तभूतं दावागि चक्मसनेव सुदारुणन्तं नेताम्बुशेकविधिना जितवा मुनिन्दो तं तेज सामौतु तेज मंगलानि भूखित खगमति अत सुदारुणन्तं धावन्ति योजनपतनुले मालवन्तं इदि विसङ्कतमनोजितवा मुनिन्दो तं तेज सामौतु तेज मङ्गलानि कत्वानि कठमुदिरं युगाभिनीय चिन्ताय दुःखवचनं जनिकाय वाज्य सन्तेन सोमविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेज सामौतु तेज मङ्गलानि सत्यं वियायमति सत्यं वादकेतुं वादाभिरोपितमनं अत्यन्तभूतं पय्यापदे प्रज्वलितो जित्वा मुनिन्दो तं तेज सामौतु तेज मङ्गलानि न
नंदोपनंद भुजंग विविदंग महेन्द्रि बुद्धिर तेर भुजगेन दमापयन्तु एतोपदेश विधिना जित्वा मुनिन्दु तं तेजसा भवतु तेजमङ्गलानि भुजगेन सुदटन्तं ब्रह्मं विशुद्धि ज्युतिमिति बकाभिधान आनाकदेन विधिना जित्वा मुनिन्दु तं तेजसा भवतु तेजमङ्गलानि एतापि बुद्ध जयमंगल अर्थगाता यो आर्चिको निन्दिने शरदेवतन्दि हित्वानने कविदानि चुपद्वानि मोकं सुखं अधिगम नरो सपयोति साधु 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 गेर दो सब लोग जितना हो गया बहुत बहुत साधुवाद। देखिए अभी आपके सामने है, थोड़ा सा भी शांत हो जाए। जैसा कि बात ना करें, इधर ध्यान दें। हाँ देखिए अभी आपके सामने जो सबसे पहले त्रिशरण पंचशील कराया गया, कोई भी बौद्ध धर्म से संस्कार होता है तो वो त्रिशरण पंचशील से शुरू होता है। त्रिशरण पंचशील क्या है? त्रिशरण यानी तीन शरण, बुद्ध धर्म और संघ। बुद्ध क्या है? बुद्ध ज्ञान है, ज्ञान की जो उच्च अवस्था है जिसको बुद्धत्व कहा गया, निर्वाण कहा गया, अर्हत कहा गया, यानी जो ज्ञान की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है वही बुद्ध हो जाता है। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म की शरण जाना। धम्म क्या है? जैसे आग का धर्म क्या जलना और जलाना, ऐसे ही बर्फ का धर्म है शीतल करना, शीतल होना, जो प्राकृतिक चीज है उसका अनुसरण करना है। संघ शरणं गच्छामि, संघ की शरण जाना, जैसे भिक्षु संघ है, उपासक संघ है, जो धम्म के रास्ते पर चलना है और दूसरों को भी धम्म की शिक्षा देता है, ऐसे जो संघ है उसका अनुसरण करना। उसी के साथ में अभी आपने पंचशील ग्रहण किया, यानी पांच शील, यानी जो सदाचार के पांच नियम हैं वो क्या है? जैसे हत्या नहीं करना, दूसरा चोरी नहीं करना, तीसरा कामाचार मिथ्याचार विचार से दूर रहना, चौथा झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, और पांचवा किसी प्रकार का नशा सेवन नहीं करना। तो ये पांच शील ऐसे हैं जो हर व्यक्ति के लिए हैं, हर धर्म के लिए है। जो भी इनका पालन करता है उसका जीवन सुखी होता है, पालन नहीं करेगा तो सुखी नहीं हो सकता। तो ये गृहस्थी के लिए बहुत जरूरी है, यदि हम इनका पालन करके जीवन में चलते हैं तो इससे हमारा जीवन सुखी होता है, और यदि हम पालन नहीं करेंगे तो हम सुखी नहीं हो सकते। इसी प्रकार से आपके जो पांच पांच प्रतिज्ञाएं कराई हैं, ये आपके जीवन के लिए बहुत अनमोल है। यदि आप दोनों इनका जीवन में पालन करेंगे, इनका ध्यान रखेंगे, तो आपके परिवार में कभी संकट नहीं आएगा। यदि आप इनका पालन करना छोड़ दोगे तभी आपको परेशानी पैदा होगी। तो इसका आपको जीवन भर उन पांचों नियमों का पालन करना है। जितना आप अधिक से अधिक उनका पालन करेंगे उतनी आपका जीवन सुखी होगा, आपका मंगल होगा। तो इस आधार पे हमको चलना है और उन चीजों को ध्यान में रखना है जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा और बताया है कि जैसे बताया है घर की आग बाहर नहीं जानी चाहिए, घर की आग बाहर नहीं जानी चाहिए और बाहर की आग अंदर नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपके आपस में दोनों में कोई बात हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है, तो आपको वो बात आपस में ही होनी चाहिए, बाहर किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है कि घर की आग बाहर नहीं जाना। और यदि बाहर
कोई यानी आपके परिवार में, परिवार से कोई बुराई करता है, कुछ कहता है, तो उसको घर में आके नहीं बताना है, ताकि उससे झगड़ा ना हो जाए। तो ये जो है, इस प्रकार से जब हम उन चीज़ों को लेके चलते हैं तो उससे हमारा जीवन सुखी होता है। इसी प्रकार से आपस में दोनों में एक, यानी जो अभी आपने पांच पांच प्रतिज्ञाएं लिए हैं वो आपके लिए बहुत मूल्यवान है। उस आधार पे आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे। तो वो आपने अभी जो प्रतिज्ञा लिया है ये आपको जीवन भर निभाना है, और यदि इस प्रकार से आप चलेंगे तो आपका जीवन सफल होगा, आपका मंगल होगा। तो इस आधार पे आपको जीवन में चलना है, और जो बताया है उसको जीवन में पालन करना है, तभी आपका जीवन सफल होगा। तो जरूरी है कि हमको धर्म को अच्छी तरह से पालन करते हुए जीवन में चलना चाहिए और उनसे लाभ उठाना चाहिए। आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए यहीं पर अपने शब्द विराम करना हूँ। साधु साधु साधु। जिस पे जो भी खुशी हो, जो भी कुछ हमको दान जा रहा है, जो भी सत्ता से देना चाहे वो दें। सभ्य सत्ता शुरू करो। बच्चों से ही मैं दे रहा हूँ, तो खड़े होकर ले लेना, क्योंकि वीडियो कवरेज नहीं होती है। हाँ, उनकी फोटो आएगी।